नमस्कार। मकर राशि पर बहुत सारे हमारे दर्शक और बड़े बड़े विद्वान लोगों के अनुग्रह पर हम इस बात का आज खुलासा करेंगे कि मकर राशि पर सारे साथी तथा भविष्य में आने वाले कौन कौन से ग्रह इनके लिए लंबे समय तक क्या क्या इफेक्ट देंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर एक, मकर राशि पर इस समय 29 तारीख को जो शनि वक्री होगा उसका प्रभाव मकर राशि पर अवश्य होगा। इस बात की आशंका से आशंकित होकर बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वो लोग जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी भली भांति है तो उन वो अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करने के लिए कि एक बार ये कंफर्म किया जाए कि ये जो वक्री शनि है इसका मकर पर क्या इफेक्ट होगा। मैं आपको पूरा इसकी गंभीरता बताने की कोशिश करूंगा ताकि अगले 30 सालों तक आप ये कंफर्म हो जाएं कि ढैया और सारे साथी कब कब आएगी और क्या क्या इफेक्ट होगा उसका। बहुत साफ साफ बात है। नंबर एक, इसी 29 तारीख को शनि कुंभ राशि में वक्री होगा और मकर राशि का फल देगा। अब जब मकर राशि का स्वामी शनि है तो मकर पर आकर या मकर पर प्रभाव पॉजिटिव देगा, इसमें कोई संदेह और कोई इफ एंड बट हो ही नहीं सकता। देन मकर राशि से जो दशम भाव है वह है तुला। तुला पर उच्च दृष्टि होगी शनि की या तुला को उच्च प्रभाव देगा। ये निर्भर करता है कि किस राशि को किस दृष्टि से किस चश्मे से देखता है। अब मकर पर जब प्रभाव देगा तो कर्क पर भी सीधी दृष्टि डालेगा, वो भी अशुभ प्रभाव नहीं होगा। कारण क्या है कि वहां पर बृहस्पति की दृष्टि भी मकर के शनि पर और कर्क से लाभ भाव पर होगी। वो अलग विषय हो गया, वो कर्क का सब्जेक्ट है, कर्क का विभाग है, डिपार्टमेंट अलग हो गया। अब मकर की ही बात करेंगे। सिर्फ क्या है कि आपके पराक्रम भाव में चल रहे राहु आपके पराक्रम को कहीं से भी डाउन नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको सुखी करने के लिए जब आपकी राशि का स्वामी आपके साथ है, जिस मकान का मालिक अपने मकान में बैठा हो तो दूसरा आदमी उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। पोजीशन जिसका है ही विल बी द लॉर्ड ऑफ द हाउस। इसके अलावा आपके बुद्धि ज्ञान विवेक अच्छे ज्ञान और रहस्य जानने की इच्छा होती है तो पंचम भाव देखते हैं, वहां पर बृहस्पति है। अब हम धीरे धीरे उस पॉइंट पर आ रहे हैं कि चतुर्थ भाव में ग्रह क्लेश तथा घरेलू अशांति या कोई जमीन मकान सवारी प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित या आपके कोई घर में जीव जंतु हो या आपकी माता हो उसके स्वास्थ्य को लेकर तो प्रॉब्लम रहेगी 12 जुलाई तक। परंतु अब और सारे ग्रह आपके लिए अनुकूल फल देंगे। कुछ दर्शकों का ये भी प्रश्न था कि अब अगली साढ़े साथी कब आएगी, तो मैं खुलासा करना चाहूंगा अब से 30 वर्ष लगभग 27.5 और 30 साल के बीच का जो पीरियड है भविष्य में, तब आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी होगी। कब होगी? जब धनु राशि में शनि का प्रवेश होगा तो आपके सिर पर, यानी कि पहली जो साढ़े साथी का चरण होता है वो सिर पर होता है, फिर हृदय पर और फिर चरणों में, तीसरा चरण पैरों पर।
लेकिन ये सिर्फ साढ़े साथी की बात हुई है। अब हम ढैया की बात करते हैं। सन 2027 में शनि मेष राशि में आएगा तो चतुर्थ भाव में कंटक शनि माना जाएगा। चतुर्थ में जब शनि आता है तो घरेलू विवाद तो कराता है, लेकिन उनके कराता है जिनकी शनि नीच राशि में नहीं होता। नीच राशि में शनि बैठ करके संपदा, जमीन, प्रॉपर्टी, पैसा जरूर दिलाता है। कारण क्या है कि नीच राशि में बैठ करके शनि जहां बैठा है वहां से दशम भाव की जो दृष्टि है वो मकर होगी। तो मकर को पूर्ण दृष्टि से जब शनि देखता है, यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। जब ऐसी ढैया तो सबकी आए तो अच्छा है, क्यों, उसमें राशि को मजबूत करने वाला। ऐसी ढैया नहीं देखी होगी आपने कभी। वृश्चिक के लिए और मकर के लिए पॉजिटिव साइन क्या होता है कि चतुर्थ भाव में शनि स्वग्रही मूल त्रिकोण में वृश्चिक का है ये, और मकर के लिए चतुर्थ भाव में जब शनि आएगा तो राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, हर प्रकार से पुष्ट, बलिष्ठ, मजबूत करने के लिए जब रहेगा तो ऐसी ढैया वो कंटक पूर्ण नहीं हो सकती, बल्कि उस समय बृहस्पति किस पोजीशन में होंगे या आपकी महादशा कौन सी चल रही होगी। ज्यादातर मकर राशि वाले जो एडल्ट एज में है या लास्ट एज में है, उनकी शनि की महादशा अब जिनकी चल रही है वो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद दे रहा है। वो बात अलग है कि सिंह लगन है मकर राशि है या मिथुन लगन है और मकर राशि है, फिर भी मकर राशि हो और शनि की महादशा हो, भूमि, संपत्ति, आभूषण, पैसा, मकान, जमीन, जायदाद, मान सम्मान और उच्च पद प्राप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अपवाद कोई एक हो सकता है, परंतु मकर राशि को सुख और समृद्ध, रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर देते हैं शनि देव अपनी राशि को। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मेष राशि पर ढाई वर्ष सन 2027 में शनि आएंगे, तब वो 2.5 ईयर तक आपको टॉर्चर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब सिंह राशि में शनि आएंगे, गोचर करेंगे, और ये स्थिति अब से 15 साल के बाद आएगी, आफ्टर 15 ईयर, यानी कि सिंह में है जो शनि, वो उसके जो ड्यूरेशन है वो जब सिंह से 180 डिग्री सामने है तो 30 साल का टेन्योर होता है, उसे हाफ कर लो आप, 15 साल बाद आपकी ढैया होगी। उसके बाद सिंह के बाद धनु में जब शनि आएगा गोचर करते हुए, तब वो साढ़े साथी मानी जाएगी और वो लास्ट फेज में वृद्धावस्था में शनि वृद्ध ग्रह के रूप में वृद्धों को, सीनियर सिटीजन को ज्यादा बड़ी हानि नहीं देता है, पक्षपात करता है शनि अपनी राशि का, और जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ लोग हैं, उनका सम्मान शनि देव भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने आपकी जो शंकाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ अभी 12 चौलाई को जो मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर में आएंगे, उस समय आपको अपने संतान के प्रति थोड़ा चिंता, उनका स्वास्थ्य खराब होना, एजुकेशन से रिलेटेड मामले परेशान करने वाले रहेंगे, ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि आपकी संतान के भी ग्रह अगर अच्छे होंगे तो वो IIT, IAS, PCS, नीट के एग्जाम या और जो भी परीक्षा देंगे, कंपटीशन देंगे, वो सफल होंगे, अपने ग्रह उनको सपोर्ट करेंगे, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।